और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं बिहार के नवादा, जहां पर सीएम योगी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। वाले स्वर्गीय जयप्रकाश बाबू की पावन कर्म भूमि है, और यही नहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की भी पावन धरा नवादा है। बिहार ने देश को सब कुछ दिया। देश के संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष राजेंद्र बाबू से लेकर के इस धरती ने पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू को भी इसी धरती ने दिया। और बहनों भाइयों, चाहे वह देश के लोकतंत्र को बचाने वाले जयप्रकाश नारायण जी की पावन धरा के रूप में बिहार की पहचान हो, या फिर बहनों भाइयों, कर्पूरी ठाकुर ने सामाजिक न्याय के माध्यम से जो अलख जगाने का काम किया था, उस धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। हेलो भाइयों, कांग्रेस ने कभी, कांग्रेस और अपने सहयोगियों ने कभी जयप्रकाश जी को सम्मान नहीं दिया, कर्पूरी ठाकुर जी को कभी सम्मान नहीं दिया, और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देकर के बिहार वासियों को भी सम्मान देने का काम किया है। बहनों भाइयों, यह भूमि बिहार की है, लोकतंत्र की प्रारंभिक भूमि के रूप में इसके जिसको जाना जाता है। यह देश के इतिहास को बनाने वाली भूमि है, दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाली भूमि है। लेकिन बहनों और भाइयों, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ा संकट हमेशा राजनीति का प्राधिकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण, जातिवादी और परिवारवादी राजनीति ही लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। और कल ही भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के कर कमलों से अपना संकल्प पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो बातें कही हैं कि चुनाव जो देश के अंदर 18वीं लोकसभा के लिए लड़ा जा रहा है, ये चुनाव नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट के बीच में होने जा रहा है। आप देखते होंगे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही हैं, आत्मनिर्भर भारत का, विकसित भारत का, भारत को दुनिया के यानी ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने वाले भारत का, उस भारत के लिए उन्होंने गरीब कल्याणकारी योजनाओं को मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने आगे भी बढ़ाने की बात कही। आपने 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा है। बहनों और भाइयों, इन 10 वर्षों में हमारा भारत बदला है। दुनिया के अंदर भारत को सम्मान मिला है, सम्मान बढ़ा है। आज भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है, भारत के अंदर नक्सलवाद और आतंकवाद की समस्या का समाधान हुआ है। आप जानते होंगे 2019 के पहले जम्मू कश्मीर के अंदर शेष भारत का कोई नागरिक जमीन नहीं खरीद सकता था। आज धारा 370 हटी। ये धारा 370 न केवल आतंकवाद की जड़ थी, बल्कि जम्मू कश्मीर को शेष भारत से अलग करती थी। धारा 370 के खिलाफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने
अभियान चलाया था 1952-53 में। उन्होंने कहा था एक देश में दो प्रधान दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बहनों और भाइयों, 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हो गए, कश्मीर के लिए बलिदान हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नारा लगाती थी जहां भी बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। और बहनों भाइयों, मोदी जी ने और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया, कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम भी किया। बहनों भाइयों, याद रखना, एक सुरक्षित माहौल में ही हम विकास की और सुशासन की परिकल्पना को आगे बढ़ा सकते हैं, नौजवानों के लिए रोजगार और आजीविका के साधन बढ़ा सकते हैं, कनेक्टिविटी को बेहतर कर सकते हैं, नौकरी और रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। और सुरक्षा का वातावरण आज नए भारत में है। आज देश के अंदर विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी बनी है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, आईआईटी बन रही है, आईआईएम बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज का निर्माण हो रहा है, हर घर नल की योजना साकार हो रही है, और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। बहनों और भाइयों, याद करिए, 14 के पहले लोग भूखों मरते थे, भूख से मौत की शिकायतें आती थी, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, महिलाओं के सामने आजीविका का साधन नहीं होता था। 2014 के बाद आपने बदलते हुए भारत को देखा है। आज आप देख रहे होंगे, पिछले 4 साल से देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिला है, 50 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट खोल करके दिल्ली से आने वाला पैसा उनके अकाउंट में आएगा, इस बात की गारंटी दे दी गई, 12 करोड़ अन्नदाता किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दे दिया गया। और बहनों और भाइयों, 12 करोड़ गरीबों के शौचालय भी बने हैं, 10 करोड़ गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन भी मिले हैं, 4 करोड़ गरीबों के मकान मिले हैं, और कल के संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अभी 10 वर्ष में 4 करोड़ गरीबों के मकान बने हैं, अगले 3 वर्ष में, अगले 5 वर्ष में 3 करोड़ और लोगों के मकान बनाएंगे। बहनों और भाइयों, ईश्वर लालू जी को स्वस्थ करे, वह आबादी बढ़ाए और भाजपा आवास बनाने का काम करेगी। आवास बड़ा बनाने का काम भाजपा करेगी, 3 करोड़ गरीबों को फिर से आवास मिलेगा। बहनों और भाइयों, 2.5 करोड़ गरीबों को घर में बिजली के फ्री में कनेक्शन, डिजिटल इंडिया का सपना साकार हो रहा है। एक तरफ मोदी जी भारत को डिजिटल युग में ले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आरजेडी और उनके लोग आपको लाइटिन युग की ओर पीछे धकेल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो कार्य मैंने गिनाए हैं, क्या ये आरजेडी और कांग्रेस कर पाती क्या? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं तो यूपी से आया हूं ना, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य क्या ये लोग कर पाते?
अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनने पे कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना? तो आपको खुश होना ही था, क्योंकि मैं देख रहा था रामलला विराजमान हो रहे थे अयोध्या में, उत्सव और उमंग था बिहार में, और सबसे पहला उपहार रामलला मंदिर के लिए बिहार से ही अयोध्या धाम पहुंचा था। इसके लिए बिहार वासियों का भी धन्यवाद, और इसलिए बहनों और भाइयों आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, एक तरफ नौजवान के लिए आजीविका है, पीएम स्टार्टअप की योजना, पीएम स्टैंडअप की योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और इस बार तो संकल्प पत्र में एक बात और कह दी गई, अब तक 10 लाख रुपए तक का नौजवानों को ब्याज फ्री लोन मिलता था, अब इसकी राशि को बढ़ाकर के 20 लाख कर देंगे। बहनों भाइयों, आरजेडी रंगदारी वसूली से पुरुषोत्त हो तब न, आज रंग बीजेपी और एनडीए की सरकार में रंगदारी नहीं, स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिल रहा है, और पीएम स्वनिधि का दायरा बढ़ा करके गांव के ठेला खोमचा रेड़ी लगाने वाले लोगों को, पटरी व्यवसायियों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा, कल के संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दी है। बहनों भाइयों, आरजेडी हो या उनके सहयोगी दल, ये तमंचा लहराने वाले लोग हैं, इनको टैबलेट से क्या मतलब, इसलिए डिजिटल इंडिया का विरोध करते हैं। और बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल आपको डिजिटल इंडिया में ले जा करके आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार बनाने के एक सारथी के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए आगे बढ़ना है। बहनों और भाइयों, इसे साकार करने के लिए जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, प्राणपण से काम कर रही है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में 7 वर्ष में दंगा नहीं हुआ, वहां कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं। विवेक जी तो विधानसभा चुनाव में, जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था 2022 में, ये कई महीने तक, लगभग 6 महीने 1 साल तक इन्होंने उत्तर प्रदेश में कैंप किया था, और वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहयोग करते हुए उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। बहनों और भाइयों, तिनका भी नहीं हिलता। हमने क्यों अयोध्या में रामलला को ही विराजमान नहीं किया है, वहां की माफिया और अपराधियों को राम नाम सत्य है की यात्रा नहीं भेजी, आप देखते होंगे ना, कुछ तो कुछ जेल चले गए, कुछ जहन्नुम चले गए, और कुछ लोगों की यात्रा स्वतः ही आगे बढ़ गई है। तो भारतीय जनता पार्टी केवल ये काम कर सकती है, और इसीलिए हम लोग आए हैं। विवेक ठाकुर जी नवादा से भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल ने प्रत्याशी बनाए हैं। बहनों और भाइयों, देश के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सक, भारत के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, जिन्होंने अटल जी के साथ मिलकर के देश के अंदर एम्स की श्रृंखला को बढ़ाने का एक खाका खींचा था, ऐसे डॉक्टर सीपी ठाकुर जी के सुपुत्र हैं श्री विवेक ठाकुर। एक पढ़े लिखे सुसभ्य सुसंस्कृत युवा है, जुझारू है, कार्य करने का एक माना रखते हैं, आपके लिए जूझने के लिए जज्बा रखते हैं, और इसके लिए एनडीए ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच भेजा है। बहनों भाइयों, चुनाव के दौरान ये उम्मीद करना कि प्रत्याशी घर घर जाए, गांव गांव जाए, ये मुझे लगता है कुछ जाति हो जाएगी,
चुनाव के बाद तो 5 साल आपके पास समय है, पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है और वह है फिर एक बार। देखो, मैं कल ही उत्तराखंड था, उसके 2 दिन पहले मैं महाराष्ट्र में था, उसके 1 दिन पहले मैं जम्मू कश्मीर में था, उसके 3 दिन पहले मैं राजस्थान में था, और बहनों भाइयों सब और यही आवाज है फिर एक बार मोदी सरकार। अब की बार 400 पार। क्या है इस बार? उधर सड़क वाले भी बोल दें थोड़ा भैया, आपकी आवाज कम से कम अरे यूपी तक और अयोध्या तक तो पहुंचा दीजिए। अयोध्या का चुनाव बाद में होना है और बिहार की आवाज तो अयोध्या जरूरी पहुंचनी चाहिए। ये सीतामढ़ी की आवाज है और अयोध्या तक जरूर पहुंचनी चाहिए। और इसलिए बहनों भाइयों, इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं, एक सुयोग के पिता की, सुयोग के संतान, जिन्होंने डॉक्टर सीपी ठाकुर जी को पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ था, क्योंकि एक बीमारी काला जार की समस्या का उन्होंने निदान निकाल करके बिहार वासियों को महामारी से बचाव करने का काम किया था। बहनों भाइयों, उनकी योग्यता और क्षमता पर किसी को संदेह नहीं हो सकता, और योग्य पिता के योग्य पुत्र आपके पास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आपकी सेवा करने के लिए आए हैं। और बहनों और भाइयों, इसीलिए हम आपसे अपील करने के लिए मैं भी आया हूं। मुझे आज दूसरे राज्य में जाना था, लेकिन जब मुझे बताया गया कि नहीं, पहले ही चरण में विवेक ठाकुर का चुनाव है, तो मैंने कहा मैं जरूर जाऊंगा। और बहनों और भाइयों, नवादा की इस पावन धरा को, माता सीता की इस पावन धरा को यहां पर नमन करने के लिए, आपके साथ संवाद बनाने के लिए मैं आज यहां पर आपके बीच आया हूं। आप मुझे बताओ, आप भी बिहार के अंदर ही चाहते हैं ना कि जो यूपी के अंदर हुआ है नहीं करेगा। और इसी के लिए एनडीए के सभी प्रत्याशी विजयी बनने चाहिए। सहमत हैं? घर घर मोदी जी का प्रतिनिधि बन करके और विवेक ठाकुर बन करके घर घर जाएंगे। बहनों भाइयों, यहाँ गर्मी हो रही है और गर्मी हो सकता है 19 अप्रैल को और गर्मी हो, लेकिन उसकी परवाह नहीं करनी है, ठीक है ना? याद रखना, ये गर्मी अभी जितनी पड़े, लेकिन तय करिए, कमल खिलाइए और राजनीति के प्राधिकरण करने वालों की गर्मी निकाल दीजिए। सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? तो फिर 19 अप्रैल को विवेक ठाकुर जी को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजेंगे। मोदी जी के गले में बिहार की एनडीए की सभी सीटों को भेजने में अपना योगदान देंगे। और फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत मा